मोदी से क्या दिक्कत है? विकास आपको नहीं चाहिए? विकास है ही नहीं, धोखा है। 2 रुपया किलो वाला चावल और 800-850 रुपया का गैस, 1000 रुपया तो आदमी खाएगा क्या? इंसान खट्टा अपना खाता, कोई पार्टी नहीं खिलाता, ना ममता खिलाएगा, ना मोदी खिलाएगा, ना CPM, ना TMC, ना कांग्रेस। बोले 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे सबके अकाउंट में, कौन सा वादा पूरा किए? तो इस साल फिर हम कौन सा वादा पे यकीन कर ले? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। आज से कोई 40 साल पहले 1981 में अपर्णा सेन की एक फिल्म आई थी, 36 चौरंगी लेन। आज इत्तफाकन मैं चौरंगी के ही इलाके में मौजूद हूँ। 2 विधानसभाओं को जोड़ती हुई ये सड़क है और बंगाल के कुछ लोग हैं जो बटे हुए हैं दीदी और मोदी के बीच में और तलाश रहे हैं अपना भविष्य। तो क्या वाकई मुकाबला इतना कड़ा है? क्या वाकई चुनाव फंस गया है ममता बनर्जी के लिए भी और नरेंद्र मोदी के लिए भी, और प्रकारांतर से कहें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी? लोग कैसे सोच रहे हैं और कैसे देख रहे हैं अपने भविष्य को इस सरगर्मी के बीच? तो पूछते हैं, बात करते हैं और उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? अजीम खान। अजीम खान, तो फिर तो आप दीदी को वोट करेंगे? पक्का, 100%, 200%। अच्छा, मोदी से क्या दिक्कत है? विकास आपको नहीं चाहिए? विकास है ही नहीं, धोखा है। धोखा है? हाँ। अच्छा, कैसे धोखा है? बिल्कुल, आप GDP देख लिए, ग्रोथ क्या है, किस सेशन में क्या, ममता का क्या है। अच्छा, GDP ठीक नहीं है इसलिए आप? बहुत सा काम है, अच्छा काम है उनका, बहुत सा ऐसा चीज है। अच्छा। जो हम लोग को पसंद आता है। अच्छा, आप क्या करते हैं साथी? छोटा मोटा रोजगार काम करते हैं। छोटा मोटा रोजगार करते हैं, तो किसको वोट करेंगे? अभी तो दीदी से अच्छी कोई है नहीं, नजर नहीं आती है। दीदी जैसी कुछ है नहीं? नहीं। अच्छा, दीदी को बंगाल से कोई नहीं हिला सकता, समझे? दीदी बहुत अच्छा काम किए हैं हम लोग के लिए, और पूरा लॉकडाउन में जितना कार्य करता है, जितना भी गरीब आदमी है, वैन वाला, रिक्शा वाला, सबको दाना पानी, खाना पीना सब दिए दीदी। अच्छा। BJP वाला एक बार भी झांकने नहीं आया कि कौन भूखा मर रहा, कौन पानी पी रहा, कौन नहीं पी रहा, कोई उससे लेना देना नहीं। जब वोट का टाइम आया तो हम है, खाली बड़ा बड़ा जुमला करेगा, ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे, कुछ नहीं देता। सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करना चाहता है वो, खाली एक। अरे मोदी जी कह रहे हैं विकास देंगे। विकास कितना की है, कितना आदमी मर रहा है, यही विकास हो रहा है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कलकत्ता के रहने वाले। अच्छा। कोलुडोला, 7 नंबर कोलुडोला स्ट्रीट। अच्छा, समझे? हाँ। बेरोजगार, कितना किसान मरा, कितना आंदोलन हुआ, इससे पहले भी तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो पार्टी खराब नहीं होता है, कार्यकर्ता खराब होता है। अच्छा। पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी थे, कितना अच्छा था, कितना अच्छा नाम लेते थे उनका। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शहाबुद्दीन है भाई। शहाबुद्दीन जी, क्या आप लोगों को दिक्कत क्या है BJP से? BJP से कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोले BJP दिक्कत है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ काम नहीं करती। हाँ तो काम नहीं है ना, आज के डेट में इंसान क्या सबसे पहले खोजता है? आप बताइए। नहीं, आप बताइए, हम तो पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे ना, सबसे पहले इंसान आज के डेट में खाना खोजता है। सबसे पहला बात है खाना। खाने के लिए इंसान चूल्हा जलाता है, ठीक है? ठीक है। मोदी जी सबको फ्री में क्या बांटे थे? सिलेंडर। अच्छा। गैस कनेक्शन। आज के डेट में सिलेंडर का क्या दाम हुआ? माने होता ना फ्री में, जैसे आदमी को पत्ता का नशा पकड़ाता है, उसका तो देश के लिए। इंसान को जब फ्री में पहले ड्रग्स देता है, जो आज तुमको फ्री में दे रहा, खा लो, कल बेटा तुम खरीद कर खाओगे। तो गैस सिलेंडर, तो आज का डेट में मोदी जी फ्री में दिए थे, आज वो खरीद रहे कितना, 850-900 रुपया में। वो चीज पहले बोलिए ठीक करने के लिए, उसका बाद बोलिए वो इंसान का बारे में सोचने। इससे आगे कुछ बोलना नहीं है। इंसान खटता है अपना खाता है, इंसान खटता है अपना खाता, कोई पार्टी नहीं खिलाता, ना ममता खिलाएगा, ना मोदी खिलाएगा, ना CPM, ना TMC, ना कांग्रेस। हम खटते हैं, हम खाते हैं, मगर आज के डेट में सरकारी चीज मिलना चाहिए इंसान को, वो चीज नहीं मिलता है। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि देश के लिए महंगा खरीदो। क्या महंगा, क्या काला धन आया? इंसान धूप में खड़ा होकर काला हो गया, अभी तक आया नहीं। अच्छा। है कि नहीं भैया? फिर और क्या चीज का आशा कीजिएगा आप लोग? हमारा प्रधानमंत्री विकास करेगा, जब UP में विकास नहीं किए, दिल्ली में नहीं किया, बंगाल में क्या करेंगे वो? अच्छा।
वो ही मौत इंसान का आता है कोई बहाने में चल जाता, मगर सबसे बड़ा कहानी आज के डेट में इंसान का इनकम कम हो गया, सब हो गया, मगर यहाँ पेट्रोल का दाम कहाँ से कहाँ छूट रहा। आप देखिए ये कम ममता का हाथ में है, आप बताइए ममता का हाथ में है, ये तो मोदी के ही हाथ में है भाई। तो वो चीज़ तो देखिए आप लोग, जो इंसान गाड़ी चलाएगा चावल देगा 2 रुपया किलो वाला चावल और 800-850 रुपया का गैस 1000 रुपया, तो आदमी खाएगा क्या? 2 रुपया किलो वाला चावल खाएगा? चावल पकेगा? आपका क्या पकेगा? देखिए मेरा नाम फैयाज अहमद है। फैयाज क्या करते हैं आप? हम छोटा मोटा दुकान है मोबाइल का, मोबाइल का छोटा मोटा दुकान है। दुकान है जी। तो आप लोग इतने नाराज क्यों देखते हैं बीजेपी? देखिए बीजेपी से नाराज नहीं है, कोई पार्टी से कोई नाराज नहीं होता। बीजेपी का देखिए मेन एजेंडा क्या होता है, वो धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। अच्छा, सबसे पहला बात वो जय श्री राम पे ममता धर्म की राजनीति नहीं, आप देख लीजिए अब 10 साल से वो यहाँ पे सत्ता में है। हाँ। आप जो देख लिए कभी वो धर्म की राजनीति नहीं करती है। अच्छा। वो कम से कम बंगाल के लोगों को सुख शांति से रखती है। अच्छा, तो ये तो मोदी जी आ जाएंगे तो आप कह रहे हैं सुख शांति खत्म नहीं? उनको देखिए ना, उनका तो हमेशा जय श्री राम बोल के आपको आपस में लड़ाते हैं। तो जय श्री राम से तो आपका कलकत्ता नहीं चलेगा या कोई स्टेट नहीं चलेगा, यहाँ तो चलेगा आपका एम्प्लॉयमेंट से। आप एम्प्लॉयमेंट दीजिएगा तो लोग खुश होंगे, आप धर्म के नाम पे कब तक वोट मांगिएगा? अच्छा, तो बस यही फर्क है। वो कह रहे हैं कि धर्म के साथ हम विकास भी तो दे रहे हैं। विकास क्या दे रहे हैं? वो तो बहुत विकास कर दिए। हाँ बोलिए ना। आप, आपका नाम क्या है? नफीस, मेरा नाम है। नफीस क्या करते हैं आप? काम करते, बेचते अपना खाते। अच्छा, ये कालीन बेचते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी विकास नहीं देंगे? नहीं कर रहे। तो क्या कर रहे? ऐसे ही 10 साल लूट रहे, सब लूट रहे, सीधा लूट रहे। अच्छा, तो विकास कौन करेगा? अब जो आएगा वो करेगा, जो अच्छा किया वो कर रहा। कहाँ बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, बोले 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे सबके अकाउंट में, कौन सा वादा पूरा किए? तो इस साल फिर हम कौन सा वादा पे यकीन कर ले? बोले बंगाल को सुनार बंगला बनाएंगे, कैसे यकीन कर ले? तो यकीन आपको मोदी जी पर नहीं है, ममता पर यकीन? हाँ, ममता पे यकीन है क्योंकि 10 साल उनका सपोर्ट रहा हम लोगों के साथ। दादा आप क्या नाम क्या है? मेरा नाम ताहिर। ताहिर, तो ये बताइए कि आप मोदी जी कह रहे हैं कि हमको एक मौका दीजिए। मोदी जी को तो दिल्ली में मौका मिला है, 7 साल हो गया, क्या किए हैं? अच्छा, छत्तीसगढ़ में इतना मिलिट्री मारा गया, उनको फिक्र नहीं है, वो खाली प्रचार चला रहे हैं वेस्ट बंगाल में इधर उधर, उनको देश का कोई फिक्र नहीं है। और यहाँ मोदी जी का कोई काम, देश के लोगों ने तो उनको चुना है या नहीं चुना है वो बात छोड़ी है, वेस्ट बंगाल में उनका कोई काम नहीं है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में कोई काम नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? शारिक हुसैन। शारिक, आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ। क्या यही बोले था? बोले देश को वो बहुत चुना है, तरक्की किया, वो तरक्की नहीं किया, वो चूना लगाया। जी बिल्कुल। किसने लगाया? और को ना, मोदी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आज वो कोई ऐसी चीज नहीं जो इंडिया को बिक्री नहीं कर रहा। अच्छा, रेलवे बिक्री कर दिया। हाँ। है बैंक का हालत ये हो गया, जो बैंक में आज गरीब लोगों का पैसा लूट गया रहा, बैंक बंद हो रहा, ये सब कौन करा रहा? उन्नति क्या किया वो देश के लिए? देश के लिए बेच रहे हैं, देश के लिए भी, देश को बिक्री कर रहे हैं या देश बिक्री कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं देश के लिए बेचना पड़ता है। देश के लिए देश को बिक्री करके बिका जाता है। अच्छा, जब दो बात बोल रहे, अमीरों का पार्टी है यहाँ पे, विवेक गुप्ता है। आप पान के बहुत शौकीन नजर आते हैं, पान के शौकीन है, और यहाँ पे नाना बंदोपाध्याय है, 2 गुजी ताला और कोई नहीं। अच्छा, बस हम लोग प्रचार टीएमसी ममता आइला ममता बना दी, बात बात खराब। यहाँ टीएमसी का बोल बाला, ये मरकज है कोडोला, जमात का काम होता है, जिसने मोदी ने बदनाम किया, आज वही देखे मरकज खड़ा अपनी जगह, आज वो कहाँ हम कहाँ, आज हम वही खड़े, आज वो कहाँ। झूठ बात बोल के क्या फायदा? कब तक आप जीतोगे? कब तक आप फाइट करोगे? कब तक क्या करोगे? झूठ तो झूठ होना ही है, सच तो सच होना है, सीधा बात। अच्छा दादा, आप ये बता, आपका नाम क्या है? अरे भैया, यह तरबूज वाला हुआ हम लोग, अरे तरबूज वाला हुआ तो हम कहा था तरबूज वाला। कुल मिलाकर कहानी ये है कि खासकर इस इलाके की जो माइनॉरिटी है वो इस मन बना चुकी है कि हमको ममता बनर्जी को वोट करना है। नरेंद्र मोदी को लेकर उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं, तरह तरह के शको सुभा है, और वो ये यकीन करने को तैयार नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो विकास करेगी, और जिस विकास की बात वो करती है उस विकास का मतलब क्या होगा। वोट करने से पहले यहाँ के लोग ये तय करना चाहते हैं कि पहले जिस विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस विकास के पैमाने को समझाए।
ममता बनर्जी ने विकास का जो पैटर्न पेश किया है उसमें कम से कम इस इलाके के लोगों को तो यकीन है और वो कहते हैं कि हमारा वोट ममता बनर्जी को। आर्टिकल 19 इंडिया के लिए चौरंगी से इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।